नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम कुछ मुद्दे पर बात करेंगे जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला मुद्दा होगा संख्या पर आधारित नियम, कुछ संख्या के आधारित नियम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें संख्या के प्रकार, फिर उसके बाद में देखेंगे संख्या पर आधारित कुछ सूत्र देखेंगे, उसके विभाज्यता के जांच देखेंगे, भिन्न और भिन्न के प्रकार देखेंगे, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट संख्या पद्धति पर आधारित जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या जो होता है यह 10 अंकों का जो होता है, 1 से लेकर 10 तक के अंकों से मिलकर बनी हुई कोई भी संख्या को, मैं जो भी संख्या होता है वह 1 से लेकर और 9 तक के अंकों से मिलकर के बना होता है, और इसमें 0 भी शामिल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं संख्या के प्रकार। संख्या का पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है, अर्थात प्राकृतिक संख्या जो होती है वह गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या नहीं आती है, क्योंकि यह गिनना हम 1 से स्टार्ट करते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। अगर यही प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाता है तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम कह सकते हैं कि अगर 0 से अगर हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। दूसरे शब्द में ये भी हम कह सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्या में 0 को मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद में है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या ऐसी प्राकृत संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 2 से कौन कौन पूर्णतः विभाजित होगा? तो 2 का मल्टीपल जितने भी संख्या होंगे सभी 2 से विभाजित होंगे, जैसे 2, 4, 6, यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे दिया गया है। तीसरा संख्या है, तीसरा संख्या का प्रकार होता है सम संख्या हो गया। उसके बाद है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है कि विषम संख्या ऐसी प्राकृत संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात उसमें अगर हम 2 से विभाज भाग देते हैं तो उसमें शेष 1 बच जाता है। तो जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे, जो भी 2 के गुणज होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, तो बाकी जो भी संख्या होंगे सब विषम संख्या होंगे। इसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या हो जाते हैं। उसके बाद में होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि यदि प्राकृत संख्या में 0 एवं ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या हो जाता है। इसमें सभी ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या होता है अभाज्य संख्या जो 1 से बड़ा प्राकृत संख्या होता है और उसमें 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और भी इससे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो इन सब संख्याओं में क्या होता है कि इसमें या तो 1 से भाग लेगा या खुद से भाग लेगा, इसके अलावा दूसरी किसी भी संख्या से भाग नहीं लेगा, तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद में होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसी प्राकृत संख्या होता है जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी इसमें भाग लगे, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 4, 6, 8, इसमें 4 जो है इसमें 4 से ही भाग लगेगा, 1 से ही भाग लगेगा और 2 से ही भाग लगेगा। ठीक है, वैसे ही ये सभी संख्या होती है। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इसको किसी में भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्राकृत संख्या, रेशनल नंबर। प्राकृत संख्या के प्राकृत नहीं परिमेय संख्या सॉरी परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या वैसे संख्याएं होते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं तथा क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पर ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/3,
ग्यारह बटा सत्रह इत्यादि, और भी संख्या हो सकते हैं, 5/7, 10/12 इत्यादि, बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, मतलब जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने, अगर कोई संख्या है यहाँ पे 5/0, हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 5/0 अगर लिखते हैं तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या अगर दिया हुआ है 5, इसको हम 5/1 लिखेंगे। जैसे ही बटा में 1 आएगा तो यहाँ पे क्यू बराबर 1 हो जाएगा और यह 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर किसी संख्या का, अगर बाटा में अगर जो होता है, अगर कोई भी संख्या नहीं लिखा गया है तो उसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, वह 0 नहीं होता है और वह परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इरेशनल नंबर। जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें भी एक कंडीशन होता है कि इसमें भी क्यू बराबर जीरो नहीं होता है, ठीक है। जैसे √2, √3, √7 ऐसे जो संख्याएं होती है इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और भी इसमें होते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है 3.01001001 और -10 इस तरह से दिया रहे तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है यह शांत नहीं है। और शांत में भी एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो होता है सेम नंबर को अगर दशमलव में भी अगर रिपीट कर रहा है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे सेम नंबर को रिपीट नहीं करता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3.01 यहाँ पे सिंगल जीरो है, उसके बाद में 0.01 हो जा रहा है, यहाँ पे डबल जीरो हो जा रहा है, फिर 0.001 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 3 जीरो हो रहा है, इसके बाद 4 जीरो, 5 जीरो आते जाएगा। तो इस तरह से यह अपरिमेय हो जाएगा, इसे कभी भी हम परिमेय संख्या में पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या दो या अधिक संख्याओं का युग्म होता है, या जोड़ा कहा जाता है, जिसका महसह एक होता है, अर्थात उसमें एक के अलावा कोई भी दूसरा संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 4 और 7 देख लीजिए, इसमें 4 और 7 में एक के अलावा कोई दूसरा संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो यह सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 और 7 है, इसमें 3 और 7 के अलावा कोई दूसरा, मतलब 3 और 7 में एक के अलावा कोई दूसरा संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें सम संख्या, विषम संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, बस इसमें दो, मैंने कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। और इसके बीच में हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या है। अब हम कुछ यहाँ पे संख्या से संबंधित कुछ सूत्र को भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे अगर प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n(n+1)2। जैसे यहाँ पे हम इसको हम बता देते हैं यहीं पे, जैसे अगर यहाँ पे 1+2+3+4 ऐसा अगर संख्या दिया रहता है तो यहाँ पे जितना संख्या तक दिया रहेगा सबसे अंतिम वाले संख्या को क्या मानते हैं? n। अगर यहाँ 4 तक दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा n=4, n=4 हो जाएगा। तो इसका 1 से लेकर 4 तक के संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 4×4+8/2 हो जाएगा। तो ऐसे यह कट जाएगा 2 से और यह 4×1=5×2 हो जाएगा, =10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी हम यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं, 1+2 3+3 6+4 10। तो इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। वैसे ही है यहाँ पे अगर n प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n(n+1)(n+2)/6। इस तरह से हम इसको हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना होता है
तो उसका होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही एन सम संख्या, एन सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए ये होता है एन इंटू एन प्लस वन। अब एन सम प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे अब सम कह दिया तो दो प्लस चार प्लस छः इस तरह से अगर संख्या दिया रहता है तो वह सम संख्या का योग में आ जाएगा। वैसे ही विषम संख्या कहता है तो एक प्लस तीन प्लस पाँच इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है n इंटू एन प्लस वन हो जाता है। आगे हम देखते हैं विभाज्यता एवं शेषफल। कोई भी संख्या के विभाज्यता और शेषफल में क्या होता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, भाज बराबर, भाज जो होता है जिसे हम भाग दिया जाता है किसी भी संख्या में, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं, जो हम भाग दे करके लिखते हैं उसको भागफल होता है, जो लास्ट में बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि एक सेवन में फोर से हम भाग दे रहे हैं, तो सेवन में फोर से हम भाग देंगे तो एक मरतबा अगर भाग यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फोर एकम फोर हो जाता है, शेषफल तीन आ जाता है। तो इसमें जो सात है इसको हम बोलते हैं भाज, चार को बोलते हैं भाजक, एक को बोलते हैं भागफल और तीन को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इसमें हम यह बुक से ही फोटो क्लिक करके इसमें हम लगा दिए हैं, इसलिए कि अगर मैंने खुद से लिख लिख के बताते तो मैंने टाइम ज़्यादा होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो छोटा बने इसके लिए हम यह प्रयास किए हुए हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और पढ़ाई भी हो जाए। अगला देखिए विभाज्यता की जांच। तो इसमें होता है विभाज्यता की जांच में दो से विभाज्यता के तीन से चार से इसका सब काम देख लेते हैं क्या होता है। तो दो से विभाज्यता की जांच क्या होता है, कोई भी संख्या दो से विभाजित तब होती है जब उसके इकाई के स्थान पर जीरो दो चार छ आठ होता है, ठीक है। अगर इकाई के स्थान पर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या होता है जीरो दो चार छ आठ तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या होता है तो वह दो से विभाजित नहीं होगा। तीन से विभाज्यता की जांच देखते हैं। तीन से विभाज्यता की जांच के लिए कोई संख्या तीन से तब विभाजित होता है जब उसके अंकों का योग तीन से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे 114 दिया हुआ है तो इसका हम अंकों का योग कर लेते हैं, ए का जोड़ चार, तो ये जोड़ते हैं तो छ आता है। तो छ में अगर हम तीन से भाग देते हैं तो यह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर विभाजित हो जाता है तो यह पूरा संख्या तीन से विभाजित हो जाएगा। चार से विभाज्यता के नियम क्या होता है, चार से कोई संख्या तब विभाजित होता है जब उसके अंकों के इकाई और दहाई का अंक चार से विभाजित हो। तो अगर इकाई और दहाई का अंक चार से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या चार से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, अगर 15 24 दिया हुआ है तो इसमें पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, सिर्फ इसके इकाई और दहाई में चार से भाग देकर देख लेंगे यहाँ पे। तो ये छ से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो यह पूरा संख्या में चार से भाग लग जाएगा। वैसे ही पाँच से विभाज्यता के नियम होता है। पाँच से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि अगर अंकों के इकाई के स्थान पर जीरो और पाँच हो, जैसे यहाँ पे एक दो तीन कोई भी संख्या इसके इकाई के स्थान पर बस जीरो हो जाए, एक दो तीन इसके इकाई के स्थान पर क्या हो पाँच आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, इकाई और इकाई का ही अंक सिर्फ इसमें देखा जाता है। अगर इकाई के स्थान पर जीरो और पाँच है तो संख्या पाँच से विभाजित हो। अब छः से विभाज्यता के लिए क्या होता है, यदि कोई संख्या छः से विभाजित तब होगा जब वह सबसे पहले सम संख्या होगा और उसके अंकों का योग तीन से विभाजित होगा, तभी वह संख्या छः से पूरा पूरा विभाजित होगा। आगे देखिए सात से विभाज्यता के लिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे छः से विभाज्यता के लिए एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या हम लेते हैं 1 2 3 4, यह सम संख्या है। अब इसके हम अंकों का योग कर लेते हैं और चेक करते हैं कि तीन से विभाजित है कि नहीं, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक तीन तीन छः चार दस, दस बटा जब हम इसको हम तीन से विभाजित करते हैं
तीन मर्तबे होगा, यहाँ का क्षेत्रफल एक हो जाएगा, अर्थात यह जो संख्या है 6 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहीं पे अगर रहता एक, यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक दो तीन, अगर तीन रहता तो इसके अंकों का योग हम करते तो 1 + 2 + 3 + 3, तो अंकों का योग हो जाता 3 3 6 3 9। तो ये जो संख्या है यह 3 से तो विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक समस्या हो गई कि यह सम संख्या नहीं है, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। एक दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए यह संख्या सम संख्या है और इसके अंकों का योग हम निकालते हैं तो 1 2 1 + 2 + 3 + 6, तो अंकों का जो है 1 2 3 3 6 6 12। अब हम 12 में अगर हम देते हैं 3 से भाग तो यह कट जाता है, अर्थात यह संख्या जो होगा यह 6 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही हम जांच कर लेते हैं। अब देखिए 7 से विभाजिता के लिए क्या होता है, तो 7 से विभाजिता के लिए हम देखते हैं तो देखिए 7 से विभाजिता के लिए कोई संख्या तब 7 से विभाजित होता है यदि उसके हम इकाई का अंक जो होता है, संख्या के इकाई का अंक का दुगुना करके अगर संख्या से घटा लेते हैं, जो इकाई का अंक छोड़ के बाकी जो संख्या बचता है उसमें हम घटाने के बाद देखते हैं, अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी को हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पे 343 दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक क्या है 3 है। अब 3 का हम दुगुना करते हैं, इसमें 3 को सबसे पहले दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब जो बाकी का जो नंबर होगा इसमें हम 6 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे, दाई का घटा होता है तो 14 में से 6 घट जाएगा 8, इधर हो जाएगा 2। अब इसमें 28 में हम 7 से भाग देखेंगे, अगर यह पूरा पूरा कट जा रहा है तो यह संख्या 7 से विभाजित होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 8 से विभाजिता के, 8 से विभाजिता का क्या नियम होता है कि 8 से विभाजिता के लिए यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीन अंकों की संख्या, अगर तीन अंकों की संख्या में अगर 8 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 2 से विभाजिता के लिए क्या चाहिए, इकाई के अंक में 2 से भाग लगना चाहिए। 4 से विभाजिता के लिए इकाई और दहाई के अंक में अगर 4 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। 8 से विभाजिता के लिए हम देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों में देखेंगे, अगर तीनों संख्या अगर विभाजित है तब वह 8 से विभाजित होगा। अब देखिए 9 से विभाजिता के जाने देखते हैं, तो कोई संख्या 9 से तब विभाजित होता है जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, ये भी जैसे 3 का होता है उसे 9 का होता है। 3 का क्या होता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो उस पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। 9 से विभाजिता में क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। सिंपल सा है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ संख्या रहता है उसके अंकों का योग हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में उसमें हम भाग देते हैं, अगर वह पूरा संख्या कट गया 9 से तो वह पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित होगा, अगर 9 से नहीं कटा तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 11 से विभाजिता के नियम क्या होता है, 11 से विभाजिता के नियम जो होता है इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई संख्या दिया होता है उसके सम स्थान और विषम स्थान की संख्या को अलग अलग लिख लेते हैं और उसके बाद में उनको जोड़ लेते हैं और उसका अंतर निकाल लेते हैं। जब अंतर यदि 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या पूरा पूरा 11 से विभाजित होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं,
कोई संख्या अगर यहाँ पे हम 1 2 3 2 1 ले लेते हैं, तो एक कलर से हम इसके इकाई का अंक को हम माने सम स्थान को हम रेखांकित कर देते हैं, और एक कलर से हम इसके विषम स्थान को रेखांकित कर देते हैं, और दोनों को और इसके बाद में हम इसको एक साथ जोड़ लेते हैं और देखते हैं। तो सम स्थान के अंकों को हम जोड़ते हैं तो 2 + 2 = 4 आ रहा है, विषम स्थान के अंकों को हम जोड़ते हैं तो 1 + 3 + 1 आ रहा है, ये हो रहा है 5। अभी दोनों का अंतर हम निकालते हैं, 5 5 में से 4 को हम माइनस करते हैं तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह ना तो 0 के बराबर है और ना ही 11 का गुणज है, तो इसलिए यह जो संख्या होगा यह 11 से भाग नहीं लगेगा। इस तरह से हम दूसरा एक संख्या ले लेते हैं, जैसे सिंपल सम 121 लेते हैं, इसमें विषम स्थान पर 1 1 है और सम स्थान पर 2 है, तो इसको हम जब सम स्थान वाले को जोड़ते हैं तो 1 + 1 करते हैं 2 हो जाता है, और विषम स्थान का संख्या केवल 2 है, तो दोनों को जब माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 0। तो जब 0 आ जाएगा या 11 आएगा तो यह संख्या पूरा पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पर कुछ आधारित कुछ और फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं। यदि x के पावर n को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो यदि n एक सम संख्या होता है तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है। अगर n यदि विषम संख्या होगा तो शेषफल x आएगा। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं, इसे x के पावर n मान लीजिए, अगर कोई संख्या x के जगह पे हम ले लेते हैं x = 2 और n बराबर ले लेते हैं 3 या 4 ले लेते हैं, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। 4 इसलिए लिया है कि यहाँ पे x + 1 करेंगे तो ये फिर 3 हो जाएगा, तो n बराबर 3 भी 3 देता है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा समझने में, इसलिए हम 4 ले लिए हैं। तो इसका जब हम x के पावर n के टर्म में लिखते हैं तो 2 के पावर 4 लिखते हैं, और 2 के पावर 4 को हम जब x + 1 अर्थात 2 + x + 1 = 2 + 1 = 3, तो 3 से जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल बचेगा 1। इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इसे हम 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 = 2 × 4 × 8 = 16 हो जाएगा। जब हम 16 में हम 3 से भाग देते हैं तो 5 मरतबा भाग लगेगा, 3 × 5 = 15, शेषफल 1 आ गया यहाँ पे। वहीं अगर यह विषम संख्या रहता n n सम संख्या है तो शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अगर यही अगर n विषम संख्या रहता, ठीक है, तब क्या होता, तो एक विषम संख्या रख करके हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फिर वैसे ही ले लेते हैं, x = 2 ले लेते हैं और n = 1 विषम संख्या ले लेते हैं 5, ठीक है, तो x → n = 2 × 5 = तो 2 × 5 हम गुना करते हैं, 2 × 2 = 4 × 8 × 16 = 32 आ जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे किससे, x + 1 से, तो x + 1 करेंगे तो x कितना है, 2 है, 2 + 1 करेंगे हो जाएगा 3, तो 32 में जब हम 3 से भाग देंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 10 पूर्णांक दो बटा तीन। तो ये जो ऊपर वाला अंश यहाँ पे बचता है यह शेष हो जाता है। तो इसमें देखिए दो बराबर क्या है x, तो x के बराबर हमारा यहाँ पे शेष बच गया। इसी चीज को इसमें बताया गया है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि x प्लस वन का पावर n दिया हुआ हो और उसको एक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है 18 के पावर 19 दिया हुआ है, तो 18 से एक कम हम 17 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, एक ही बचेगा, ठीक है। यदि a के पावर n प्लस b के पावर n को हम a प्लस b से विभाजित किया जाता है, यदि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या हो, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस b के पावर n जो होगा a प्लस b से विभाजित हो जाएगा। अगर यह विषम संख्या नहीं होगा तो फिर यह विभाजित नहीं होगा। वैसे ही अगर a के पावर n माइनस b का पावर n को a प्लस b से विभाजित किया जाता है अगर n सम संख्या होगा तो फिर यह विभाजित हो जाएगा, अगर n सम संख्या नहीं होगा तो विभाजित नहीं होगा। तो इसको समझना इस तरह से है कि अगर a प्लस b कोई संख्या है, ठीक है, अगर a के पावर n प्लस b के पावर n कोई संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, तो यह अगर n अगर विषम संख्या होगा तो a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा, अगर बीच में प्लस दिया है। अगर बीच में माइनस दिया हुआ है और a प्लस बी से विभाजित होना है तो इसके लिए n एक सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में माइनस दिया हुआ है, अगर n एक विषम संख्या होगा तो इसके लिए a माइनस बी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक और यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन दे दिया हुआ कि ए के पावर एन बी के पावर एन, ये सब अगर प्लस में दिया हुआ है, अगर इसका बेस जो दिया हुआ है बेस वाले संख्या को प्लस में दिया हुआ है तो उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भिन्न के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ कोई भी संख्या जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होता है, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है, तो वह भिन्न होता है, ठीक है। अर्थात एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने से प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है, भी कह सकते हैं। तो p और q के टर्म में अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो तो उसमें ऊपर वाले को जो संख्या लिखा हुआ है p के टर्म में उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाले जो संख्या लिखा होता है बटा में उसको हम हर कहते हैं। इसको समझना होता है। तो अंश और हर क्या होता है, कोई संख्या अगर भिन्न कोई लिखा हुआ है तो बटा के ऊपर जो संख्या लिखा होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। अब भिन्न के कुछ प्रकार हम देख लेते हैं। एक होता है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है कि यदि भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है एक बटा पाँच दिया हुआ है और 11/19 20/35, इसमें हम देखिए सब में देखेंगे तो यहाँ पे हर नीचे वाला भाग जो है बड़ा है, ऊपर वाला भाग जो छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अर्थात इसमें अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। एक होता है संक्षिप्त भिन्न। तो संक्षिप्त भिन्न क्या होता है कि यदि अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, मतलब अगर कॉमन इसमें कोई नहीं संख्या है तो हो जाएगा संक्षिप्त भिन्न। जैसे 5/6 है तो इसमें हम देखते हैं एक के अलावा दूसरा कोई संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन यही अगर 20/35 दिया हुआ है तो पांचों का बीच या 5/35 ये दोनों के बीच में 5 कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पे यह संक्षिप्त भिन्न नहीं है। संक्षिप्त भिन्न कहने का मतलब कि इससे छोटे रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात सबसे यह शॉर्टेस्ट फॉर्म है। दूसरा है चौथा है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई भिन्न लिखा हुआ है, तो उसमें अंश को हर में कन्वर्ट कर दिया, हर को अंश में कन्वर्ट कर दिए, तो हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। जैसे यहाँ पे 7/9 लिखा हुआ है, इसको 9/7 कर दिए
तो 9/7 क्या होगा, 7/9 का व्युत्क्रमहीन हो जाएगा, ठीक है। उसका अगला होता है दशमलवहीन। दशमलवहीन क्या होता है, कि दशमलव के आगे जितने भी संख्या होते हैं उसके बदले में बाटा में, यहाँ पे दशमलव के बदले में एक और उसके आगे जितने भी जीरो होते हैं उसको, जितने भी अंक होते हैं उसको दशमलव में, सॉरी अगर कोई संख्या अगर लिखा हुआ है तो उसको दशमलव बिंदु तब कहा जाता है कि उसके बाटा में जो होगा एक पर केवल जीरो जीरो वाला संख्या होगा, जैसे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10000 होगा, उसके अलावा मैंने एक और शुरुआत में एक होगा, उसके बाद में केवल जीरो जीरो होगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं दशमलवहीन। अगर यहीं अगर 1/20 अगर लिख दिया रहे तो एक की जगह पर क्या हो गया, 2 हो गया, तो दशमलवहीन नहीं होगा। बाटा में केवल होना चाहिए 10, 100, 1000, 10000, ऐसे ही मतलब।